स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। किन्नौर में अनमोल सर्कस जो 15 दिनों से किन्नौर वासियों को मनोरंजन के तौर पर मैदान अंदरी अभी जिंदा है। ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से ऊपर वाला दुनिया चला रहा है। ऐसी एक ईमानदारी की मिसाल किन्नौर में नजर आई है और दूसरी मिसाल नांदेड़ में नजर आई है। किन्नौर डेपू के बस चालक श्रीधर जिल्लेवार बक्कल क्रमांक 22421 वो बस कंडक्टर रमेश शेपुरवार बक्कल क्रमांक 1338 ये बस औरंगाबाद से किन्नौर आ रही थी और किन्नौर आकर बस डेपो पर रुकी। रुकने पर बस चालक श्रीधर जिल्लेवाड़ और बस कंडक्टर रमेश शेपुरवार इन दोनों की एक लेडीज पर्स पर नज़र पड़ी। पर्स की जांच करने पर इस पर्स में 110,000 वो सोने और चांदी के गहने मोबाइल मिला। इन दोनों ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस पर्स को आगार डिपो के अधिकारी को सौंप दिया। इन तीनों का ये अंदाज था कि ये पैसे किसी लड़की के शादी के लिए जमा किए हुए हो सकते हैं। सौ ललिता उमेश चौहान ठिकान मांडवी तालुका किन्नौर ये महिला सारकनी से राजगढ़ प्रवास करते हुए अपना बैग बस में भूल गई। जब इसे महसूस हुआ कि मैं अपना पर्स बस में भूल चुकी हूँ तब उस महिला ने अपने पति उमेश चौहान इनके साथ रोते हुए किन्नौर बस डिपो पहुंची और बस डिपो के अधिकारियों को अपना पर्स बस में भूलने की सूचना दी और पर्स का रंग वो पैसे गहने इनकी पहचान दी। तब बस डिपो के अधिकारियों ने ईमानदारी से इस महिला को इस पर्स इसके हवाले कर दिया। जब इस ईमानदारी घटना की सूचना किन्नौर में फैली तो किन्नौर वासियों ने इन ईमानदार अधिकारियों की प्रशंसा की। श्रीधर शाटलवार साहब वातुक निरीक्षक श्रीधर डौरे साहेब लिपिक सुरक्षा रक्षक पांडुरंग उमरीकर ये इस समय मौजूद थे। इन सब ने चालक श्रीधर जिल्लेवाड़ और बस कंडक्टर रमेश शेपुरवार इनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। ऐसी ही एक दूसरी ईमानदारी की घटना नांदेड़ शहर में नजर आई। एक मुस्लिम ऑटो चालक युवा ने अपने ऑटो में एक हिंदू महिला का पर्स मिला जिसमें 1.5 लाख कैश वो आईडी कार्ड फ़ोन नंबर के साथ मिलने पर इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करने पर इस महिला से बात होने पर वो मुस्लिम ऑटो चालक ने उस पर्स को अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस पर्स को इस महिला को लौटाने पर उस हिंदू महिला ने उस ऑटो चालक को बहुत दुआएं दी और उसे अपना बेटा माना। किन्नौर से साबिर मिर्जा आज की न्यूज़।